पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो भेजा हो ना। हाँ तो पीडीएफ, पीडीएफ को जो है प्रिंट कर, प्रिंट आउट वो ऐसा बुक ले गया अगर लिखने के लिए, ऐसा बुक जो है ना उसमें डायरेक्ट में या आपके पास स्क्रीन में ऐसा होगा ना, तब सेंटर से नहीं मिलेगा वही तो ना, पहले मिलता था यहाँ या खरोजुन नासो, खरोजुन नासो अयामल उत्तलते एनल बर, एनल बर या खरोज खरा जाए, खरोजो बाहर जाना, नास लोग, लोग बाहर जाते हैं, लोग जाते हैं निकलते हैं, खरजो निकलना, लोग निकलते हैं, यख रोजो नासो लोग निकलते हैं, अयामन उतला छुट्टी के दिनों में, छुट्टी के दिनों में उतला छुट्टी, और अयाम योम की जमा अयाम, योम डे को कहते हैं, अयाम डेज को कहते हैं, तो वीकेंड में कहते हैं छुट्टी के दिनों में, वेकेशन के दिनों में, निकलते हैं लोग छुट्टी के दिनों में, लफ्ज को अच्छी तरह से देखिए, निकलते हैं लोग छुट्टी के दिनों में, कहाँ निकलते हैं, इलाल बर, बर की तरफ, बर की तरफ, लैंड की तरफ, खाली जमीन की तरफ, वयन से बुना व और यन से बुना फी मकान तरवीह अल खियामा, وَيَنْسِبُونَ فِي مَكَانِ التَّرْوِيحِ الْخِيَامِ وہ مطلب اور ينسبونا نصب ينسبو نصب ينسبو نصب کرنا نصب کرنا کو مطلب جس کو کہتے ہیں نا گارنا کہتے ہیں نا کھونٹا گارنا کہتے ہیں تو نصب ينسبو سیٹ اپ کرنا وَيَنْسِبُونَ سیٹ اپ کرنا اسٹیبلش کرنا ٹھیک ہے سیم مخیمات مخیم مخیمات خیمہ خیام تو لوگ نکلتے ہیں چھٹی کے دنوں میں بر کی طرف اور کیا کرتے ہیں سیٹ اپ کرتے ہیں فن کی جگہ میں ٹینٹ ٹینٹ نصب کرتے ہیں ٹینٹس ویحملون معہم الطعام والشراب ویحملون معہم الطعام والشراب اور يحملون لوڈ کر لے کے جانا ہاں حمل يحملو حمل يحملو کا مطلب اٹھا کر لے جانا حمل يحملو کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کے لے جانا جیسے سامان رکھے گاڑی پر اس کو کہتے ہیں حمل کرنا اٹھا کے رکھنا کیری کرنا کیری کرنا لے جانا حمل يحملو کا مطلب لے جانا بھی ہوتا ہے ويحملون معهم مع مطلب ساتھ لوڈ لوڈ کرنا हमारे यहाँ का तो सर लोड करना उठाना ले जाना ठीक है अब डिफरेंट वर्ड के हिसाब से दे हम लोड के माने इतना मीनिंग लेकिन हम अपना अपना सामान ले आ रहे तो हम कैरी कर रहे हैं बंदे आपको उम्र भी लगा के बहुत सी चीजें कर रहे हैं तो यही बोलना वो लोड करा सेंटेंस के हिसाब से माहूम माह मतलब साथ और हूँ मतलब अपने के माहूम अपने साथ अपने साथ ले जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं और लेकर जाते हैं वो अपने साथ खाना और पानी तो आम यानी फूड और शराब यानी आम खाने की चीज खाने की कोई भी चीज आम है और शराब पीने की भी कोई चीज शराब का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है आम का मतलब सिर्फ रोटी चावल नहीं होता है तो आम
ताम यानी फूड, कोई भी किराना सौदा, हाँ कोई भी खाने की कोई भी चीज, उसको क्या कहते हैं? तो हाँ वजबा भी बोलते हैं, वजबा बोलते हैं मील, हाँ वजबा, जैसे वजबतुल गदा, वजबतुल अशा, वह मेरे नाम शराब और ले जाते हैं अपने साथ फूड और ड्रिंक, फूड्स और ड्रिंक्स, तो आम शराब फूड और ड्रिंक को कहते हैं, शराब पीने की चीज नहीं, नहीं नहीं, अरबी में शुरब मतलब पीना, अरबी में शराब का मतलब क्या होता है? पीने की चीज, तो आम खाने की चीज और शराब पीने की चीज। अपने यहाँ जो शराब बोलते हैं उसको अरबी में खमर बोलते हैं, खमर खमर खास से खमर, हाँ फिर खमर मैसर कुरान में है ना, अच्छा तो यहाँ पे शराब शराब अल असीर लिखा रहता है, शराब अल असीर यानी जूस, पीने का जूस, शराब असीर, बाद लोग नहीं समझ पाते थे, कहते देखो सऊदी अरब में शराब भी मिलती है, जिस भी मकाले में जाओ शराब मिलती है, उस पर शराब लिखा है, शराब का मतलब होता है कोई भी चीज़ पीने, भूख के लिए अच्छा है और जो भी हाँ शराब अक्षान क्या है, जो आदमी प्यासा उसको अक्षान, जो भूखा है उसको जौहान, जौहान जो कहते हैं भूख को, जो भूख को कहते हैं, और अतश अतश प्यास को कहते हैं, अना जौहान मैं भूखा हूँ, अना जौहान अना अक्षान मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, अना अक्षान जो इसमें भी है, जो कुरान में भी है ना, अल्लाह अल्लाह अदअमा हूं, मैं तुम लोग प्यास का प्यासा लग गूगल के भी टेस्ट करेगा ऐसे भी कुरान में, हां वो है ना, ला यस्मिनु वला युग्नी मिन जू, जू मतलब भूख, भूख और इसी तरह से अल्लाह अदअमा हूं मिन जू वा आमनहुम मिन खौफ, जू मतलब भूख, अमनहुम मिन जू वा आमनहुम मिन खौफ, हां भूख में खिलाते हैं और खिलाया और खौफ की हालत में अमन दिया, तो ले जाते हैं अपने साथ खाने और पीने की चीज, वह वसाइल और एंटरटेनमेंट के वसाइल, मतलब क्या कहते हैं उसको, साधन हिंदी में जो बोलते हैं ना, या मींस इंग्लिश में मींस बोलते हैं, एंटरटेनमेंट मींस, ट्रांसपोर्ट मींस जैसे बस है, कार है, एरोप्लेन है, जो भी सब चीज आ, सब चीज आ, वसीला की जमा वसाइल, वसीलतुन उसकी जमा है वसाइल, वसीला कहते हैं कि मतलब जिसके जरिए से होगा मंजिल तक पहुंचते हैं, जरिया को कहते हैं वसीला, ठीक है, वो जरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बुजुर्गों का वसीला पकड़ते हैं उसे ही नहीं, बुजुर्गों का जो वसीला लेते हैं उसे शिर्क व बिदअत में आता है, वो वसाइल तरबीय, ठीक है,
इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और पसंद करते हैं कुछ लोग फरीको मिनन्नास, लोगों का एक तबका, ग्रुप टीम भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, यानी एक यहाँ वहाँ क्या था, एक एक फरीक जो है ना यहाँ जाते हैं, बर की तरफ जाते हैं, है ना, और कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग बर की जाते हैं, कुछ लोग यहाँ, वही कह रहे हैं। और लोगों का एक तबका पसंद करता है, फरीक का मतलब टीम, ग्रुप, तबका। कौन से टाइम में देखा फरीक सो गया, मेरे वीडियो आते हो, हां होता है फरीक सो, मतलब दो फरीक किसी भी चीज में होते हैं, हाँ झगड़ा हुआ तो दो फरीक, है ना, खेल है तो दो फरीक, इस तरह से होता है, तो वही है। तो लोगों का एक तबका पसंद करता है अन यकून करीबम मिन शातिकिल बहर, के अन का मतलब के, अन का मतलब के, अन का मतलब के, अन यकून के वो करीब हो, अन यकून करीबन के वो जगह, जगह के बारे में कह रहे हैं, वो जगह करीब हो, किससे, मिन शातिकिल बहर, कॉर्नर से, तरवीन की जगह, फन की जगह कहा हो, करीब हो कॉर्नर से, ठीक है। ऐसो जहां, जहां जो मारे सुनत से बाहर, जहां क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मारसा यो मारेसो का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, कोई भी चीज प्रैक्टिस करना उसको कहते हैं मारसा यो मारेसो मुबारसा, तो स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं, यो मारे सुनत से बाहर, सिबाहा कहते हैं स्विमिंग को, तैराकी को, तैरने को क्या कहते हैं सिबाहा, इसी से मसबह बोलते हैं, मसबह स्विमिंग पूल, मसबह स्विमिंग पूल को बोलते हैं, तैरने की जगह, तो सिबाहा, ठीक है, हाँ, तो स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं। वह अनवाह रियाजतिल उखरा, और डिफरेंट खेलने की, हाँ, और नौ की जमा होती है अनवाह, नौ कहते हैं टाइप, टाइप, हाँ, तो स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स के दूसरे, दूसरी किस्म है, दूसरे, यानी एक तो सिबाहा हो गया, एक स्पोर्ट, और स्पोर्ट के और बहुत सारी किस्में, वनवा रियाजत उखरा, उखरा अनादर, उखरा मतलब अनादर, रियाजा मतलब स्पोर्ट, और अनवा मतलब टाइप्स, अदर टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं लोगों का एक तबका क्या पसंद करता है, कॉर्निश के करीब हो, क्यों, ऐसो वजह बता रहे हैं, जहाँ वो क्या करते हैं, स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और डिफरेंट स्पोर्ट्स, और टाइप्स, हाँ, अदर टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते हैं, समझ गए। वयस्तादून समर, व और यस्तादून, इस्तादा यस्तादो का मतलब होता है शिकार करना, और समक मतलब मछली, मछली पकड़ते हैं, मछली शिकार करते हैं, कॉर्निश पकड़ते हैं ना, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग दूसरे खेल करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, मछली से पकड़ते हैं, वही कहते हैं कि जहाँ स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं और दीगर खेल कूद की किस्मों को अंजाम देते हैं, और हंटिंग करते हैं या फिशिंग करते हैं, वह इस्तादूना समक, समक मछली, इस्तादूना शिकार करना, पकड़ना। वह युफल दे लो बाजुलनास, और कुछ लोग पसंद करते हैं, बाजुलनास सम पीपल्स, बाज मतलब कुछ लोग, बाज लोग पसंद करते हैं मुशाहदत तुयूर, परिंदों को देखना, चिड़ियों को देखना, बर्ड्स, तुयूर, बर्ड्स तैर की जमा, तुयूर तैर एक चिड़िया या तायर उसकी जमा है तुयूर, मुशाहदा मतलब देखना, मुशाहदा का मतलब क्या होता है, देखना, देखना, जैसे मुशाहदत तिल्फाज, टेलीविजन देखना, है ना, मक्का गए तो हमने मुशाहदा किया, हमने देखा, है ना, हमारे तजर्बात और मुशाहदात में ये है, मुशाहदा देखना किसी भी चीज, किसी भी चीज, टेलीविजन देखें, वीडियो देखें, फिल्म देखें, फिर अच्छा सा सीन देखें, शाफा या शुफा भी बोलते हैं, लेकिन यार ये फसीह अरबी, फसीह अरबी, तो
और बाद लोग जो है ना चिड़ियों को देखना पसंद करते हैं, वहाँ चिड़िया रहते हैं ना समुद्र के किनारे। अभी तस्वीर या पिक्चर लेना पसंद करते हैं। अभी तस्वीर सवेरा यो सवेरो का मतलब होता है पिक्चर लेना, सवेरा यो सवेरो तस्वीर का मतलब होता है फोटो खींचना, फोटो लेना, बाद लोग वहाँ फोटो लेना पसंद करते हैं। अविल मशी या वाक करना, तो वही कह रहे हैं कि बाद लोग जो है ना क्या कहते हैं यहाँ इसकी वजह बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे क्यों जाते हैं, उसकी वजह सब यहाँ कर रहे हैं, ये करते हैं ये करते हैं। बाद लोग क्या करते हैं इन लोगों को देखना पसंद, असल चीज ये है कि आप लोग वर्ड में मीनिंग जो है ना उस पर फोकस कीजिए, वो जितना ज्यादा रहेगा खजाना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उसी से सेंटेंस बनता है। इसको बाद में पढ़ेंगे, वक्त हो गया, ठीक है। नया लफ्ज क्या क्या आया एक बार देख लेते हैं, नया नया लफ्ज तखीम, तखीम का मतलब क्या होता है टेंट लगाना, तखीम का मतलब टेंट लगाना, ऊपर क्वेश्चन भी है नहीं ना, हाँ ये सब तो क्वेश्चन है जैसे फकीर के लिए जाबन इस तरह नहीं बाद में अभी बस ये थे तखीम मतलब टेंट लगाना, तरवीह मतलब एंटरटेनमेंट करना, और यखजूना गुजारना, खारिज मतलब आउटसाइड, मुखयमा टेंट्स, लहरारात, इद्दत असाबी चंद हफ्ते, कुछ हफ्ते कई हफ्ते, मकान जगह कहते हैं शातिर बहर, बीच बर्फ लैंड गाबा जंगल फॉरेस्ट सहरा डिजर्ट जिबाल बहार नकी फ्रेश परिंदों को देखना, तस्वीर फोटो लेना, मशीन चलना, ये नए अल्फाज अब एक ही क्लास है, टेबल टॉक की एक ही क्लास है कल इंशाल्लाह जो है ना वो शरई कोर्स शरई क्लास होगी, शरई इस्लामिक स्टडीज वगैरह इंशाल्लाह।